गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल का दौरा पड़ने से केशुभाई पटेल का निधन हुआ है। आज सुबह केशुभाई को दिल का दौरा पड़ा था, कुछ दिन पहले ही कोरोना को हराकर वो घर लौटे थे। 92 साल की उम्र में केशुभाई पटेल ने अंतिम सांस ली है। 2 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा। हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूरब, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, गुजरात की राजनीति की बात की जाए तो गुजरात की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान ये कह सकते हैं कि केशुभाई पटेल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव गुजरात में रखी, और केशुभाई पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और लगातार अब तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री गुजरात में है। 92 साल की उम्र में केशुभाई पटेल को आज सवेरे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। हालांकि पिछले महीने वो कोरोना को हराकर घर लौटे थे। आपको बता दूं अनुराग के केशुभाई पटेल सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने भाषणों में ये कहते आए हैं कि राजनीतिक गुरु, राजनीति जो है उन्होंने केशुभाई पटेल को देख देख के ही सीखी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है उनकी अंतिम विधि, उनके पार्थिव देह को उनके घर, उनके निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है, और बहुत ही कम लोगों के साथ उनकी जो अंतिम क्रिया है वो की जाएगी। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरब पटेल इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। गुजरात से केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, 92 साल की उम्र।